ऐसा हो अगर हम आपसे कहें कि फेक है ईशा मालविया, समर्थ जुरेल और अभिषेक कुमार का ड्रामा? वेल, अगर आप हैं बिग बॉस के डेली व्यूअर तो आज आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कैसे ईशा को उनके करंट बॉयफ्रेंड के साथ देख अभिषेक फूट फूट कर रोएंगे, अभिषेक कुमार बेकाबू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, रोने धोने के अलावा अभिषेक और समर्थ के बीच जबरदस्त झगड़े भी हुए। अभिषेक कुमार समर्थ को मारने दौड़ रहे थे, लेकिन अगर हम कहें कि ये पूरा ड्रामा फेक है तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, सोच समझ कर ये सब कर रहे हैं अभिषेक, ईशा और समर्थ। इन्हें लग रहा है कि ये स्प्लिट्स विला चल रहा है। असल में पूरे ड्रामे के बीच जब अभिषेक समर्थ को मारने जा रहे थे, समर्थ की तरफ दौड़ रहे थे, तब अभिषेक ने दोनों हाथ पीछे लॉक किए हुए थे। जी हाँ, अभिषेक ये समझ रहे थे कि उन्हें हाथ नहीं उठाना है। अभिषेक का दिमाग काम कर रहा था। दूसरी चीज, इस पूरे ड्रामे के कुछ घंटों बाद ही ईशा, अभिषेक और समर्थ एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जी हाँ, तीनों एक साथ बैठे हुए थे और तीनों की बातें हो रही थी। तीसरा, अगले दिन सुबह ईशा अभिषेक के सामने ही समर्थ से कडलिंग कर रही थी, उनके साथ रोमांस कर रही थी और अभिषेक वहीं बैठे थे, सब कुछ देख सुन रहे थे। और तो और, समर्थ जब ईशा पर शायरी सुना रहे थे, अभिषेक उसे भी इंजॉय कर रहे थे। जी हाँ, झगड़े में हाथ पीछे करने से लेकर ईशा और समर्थ के साथ बैठने तक अभिषेक हो गए हैं बिल्कुल नॉर्मल। वेल, इतना रोने के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? हो न हो, ये तीनों आपस में बाहर से ही बात करके आए हैं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।